चौक से बना लेना, चौक से ठीक गोल के अंदर, सिर्फ बैट से सुन आप लेना, जो भी बैट हो उससे ऐसे नाप लेना, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच लेना ऐसे, ठीक ठीक है, बैट लाइन खींच लेना। उसके बाद यहाँ पे इस लाइन के बराबर खड़े होना है, इस लाइन के पीछे नहीं खड़े होना, ठीक। और इस पैर उतना डिस्टेंस बना लेना जितना शोल्डर भी जो होता है, ठीक है ऐसे ये। और जो बैट की ग्रिप होती है देख लो पहले, है ठीक, इसको ऐसे पकड़ना है ये ठीक। तो ये बैट को ऐसे लाना है, ठीक है, हेड बैट की पोजिशन होती है यहाँ, एडी होती है वहां पर, ठीक है, और हेड जो पोजिशन होती है हेड और शोल्डर इधर लाने, जो शोल्डर जो होते हैं इनको ऐसे रखना, हेड सामने, क्योंकि सामने हेड रखना, हेड की पोजीशन जो होती है जो शोल्डर की पोजीशन होती है जस्ट सामने रखना, नंबर एक। तो पैर ये ले जाना, देखो पैर ये बैट कमर से ऊपर नहीं जाएगा, बैट लिफ्ट होती है कमर से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक। जैसे ही पैर ये डाउन होगा वैसे ही वाला पैर क्या होगा आप, जिससे मेरा बॉडी वेट क्या होगा आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बराबर है ना, दोनों डिस्टेंस बराबर रखना, बैट की ग्रिप देख लो, ये हिस्सा और ये ग्रिप का, ये ऐसे पकड़ना बस, यस हेड सामने, ठीक। ये पहले बैक लिफ्ट आ गई, ये हेड सामने आइस बॉल पे, ठीक है सुबह, ये बॉडी वेट आगे ऐसे रहेगा, ये चीज आगे डालना, जब ये पैर उठेगा तो ये आगे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, इसको कभी आगे नहीं ले जाना, ठीक। जब घर पे रहना तो ऐसे करना, वन ठीक, टू पैर देख लेना मेरे वीडियो में, थ्री फोर फाइव सिक्स